स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने देखा ग्रुप क्या होता है। ग्रुप होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को चार शर्तें थी। जी नॉट थी कि वो क्लोजर होना चाहिए, मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं उसके ऊपर ऑपरेशन लगाने पर वापस उसी सेट के एलिमेंट्स मिलने चाहिए। सेकेंड, जीवन थी कि जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप तीन एलिमेंट्स को ऑपरेट करो सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। फिर अपन ने देखा G2 होना चाहिए कि जो भी सेट है उसके अंदर उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। और G3 था कि जो भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं सबका इनवर्स, जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसके लिए इनवर्स उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन कहते हैं वो जो सेट है वो उस बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ है उसके लिए ग्रुप है। तो आज अपन वही उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एग्जांपल 1, आपको एक सेट दिया हुआ है 1-1 आयोटा माइनस आयोटा और बाइनरी ऑपरेशन है अपना जनरल मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अबेलियन ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप के लिए तो चार कंडीशन थी, अबेलियन ग्रुप के लिए एक और कंडीशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो देखते हैं अपन इसको चेक करने के लिए अपन एक ऑपरेशन टेबल बना देते हैं। ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं बेटा, जो बाइनरी ऑपरेशन आपका है वो यहाँ लिख दीजिए और ये जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिख दीजिए। जैसे फाइनाइट एलिमेंट्स हैं उनके लिए ही ऑपरेशन टेबल बनाना ठीक रहेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट के लिए अगर ऑपरेशन टेबल बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे तो बना नहीं पाओगे आप इजीली। तो यहाँ पे 1 × 1 आएगा, दैट इज़ 1। यहाँ पे 1 × -1, दैट इज़ -1। 1 × iota इज़ iota। 1 × -iota इज़ -iota। -1 × 1 इज़ -1। -1 × -1 इज़ +1। -1 + iota मल्टीप्लाई करोगे तो -iota। -1 − iota इज़ +iota। सिमिलरली ये iota -iota यहाँ होगा iota square, इसकी वैल्यू होती है -1, तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ -1 लिख रहा हूँ, एक ही बात है दोनों। आयोटा मल्टीप्लाई -iota इज़ -iota स्क्वायर, दैट इज़ -+1 हो जाएगा। -iota + iota यहाँ पे वापस -iota स्क्वायर, दैट इज़ +iota एंड -± दैट इज़ iota। +iota स्क्वायर होगा यानी कि -1 आया। ओके, अब अपन चेक करते हैं क्या ये क्लोजर है, सवरत है। हाँ, आपके जो भी एलिमेंट्स आए हैं ये सारे इसी सेट से बिलोंग करते हैं, कोई भी नया एलिमेंट नहीं आया है, मतलब ये ऑपरेशन जो है ये सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सेकंड, एसोसिएटिव। अब यहाँ पे बेटा आपको लैंग्वेज लिखनी है। फर्स्ट आप लिखेंगे A*B आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैपिटल A। सपोज ये कैपिटल अपन A लिख देते हैं, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब A और B के आप A से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए उनका ऑपरेशन जो है वापस वो A के अंदर ही आ रहा है। फॉर ऑल A, B एलिमेंट ऑफ A, दैट इम्प्लाइज स्टार, या फिर अपन यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, यहाँ स्टार लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे भी स्टार लिख देता हूँ, इज क्लोजर फॉर सेट A। सेकेंड, एसोसिएटिव। अब हमें पता है जनरल मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। ओके, फॉर ऑल A, B, C एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा इसमें ऑब्वियसली सबको पता है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 इज एलिमेंट ऑफ A, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन कैपिटल A। अच्छा, एक और चीज, वैसे इस बार तो मल्टीप्लिकेशन था, स्टैंडर्ड ऑपरेशन था, पता है आइडेंटिटी 1 होती है, लेकिन कभी स्टैंडर्ड ऑपरेशन ना दें, कुछ और ऑपरेशन दे दें तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन टेबल से आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। वैसे आपने क्लास 12 में सीखा होगा, वापस मैं एक बार बता देता हूँ। आप देखिए जो फर्स्ट रो है आपकी,
उससे सिमिलर रो कौन सी है, वो वापस आपकी फर्स्ट ये वाली है, द जो ऑपरेशन टेबल में फर्स्ट वाली, ये रो सेम है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट आपको दिया हुआ होता है वो आइडेंटिटी होता है। तो इसके इसके लिए आइडेंटिटी है वन। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, बुक में क्लाइंट फोर ग्रुप दे रखा है, तो इसमें आप देखिए आइडेंटिटी कौन है बेटा, इसमें चार एलिमेंट्स हैं ई ए बी सी, तो इसमें आइडेंटिटी कौन है बेटा, ई ए बी सी के जस्ट सिमिलर रो है, ई ए बी सी फर्स्ट रो ही है, तो आइडेंटिटी होगी ई। ओके चलिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया वन। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स की। अच्छा इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा, पहली बात आइडेंटिटी जिस बाइनरी ऑपरेशन की होगी इनवर्स भी उसी का एग्जिस्ट कर सकता है, अगर जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं है तो उसका श्योरली इनवर्स भी नहीं होगा। इनवर्स का चेक करते हैं बेटा, ऐसा मैंने आपको बताया था कल, ऐसा एलिमेंट जिसको एक का इनवर्स निकालने के लिए एक को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें या ऑपरेट करें कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए वो उसका इनवर्स कहलाता है। तो वन का इनवर्स होगा वन, क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी आता है। माइनस वन का इनवर्स होगा माइनस वन, क्योंकि माइनस वन को किससे ऑपरेट करने पर वन आता है, माइनस वन से करने पर। तो माइनस वन, वन का इनवर्स हो गया वन, माइनस वन का इनवर्स हो गया माइनस वन, आयोटा का इनवर्स हो गया, आयोटा का इनवर्स हो गया, देखिए वन कहाँ है यहाँ पे, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये वन आएगा ठीक है ना, आयोटा का इनवर्स आया माइनस आयोटा, और सिमिलरली माइनस आयोटा का इनवर्स आया प्लस आयोटा। मतलब हर एक सेट के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मतलब इनवर्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ए इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, दैट इम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। लास्ट वाला, ये चार तो हो गए बेटा, जी नॉट, जी जी वन, जी जी टू और जी थ्री, जी फोर अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए, क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है? हाँ है, वैसे मल्टीप्लीकेशन, जनरल मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता ही है, डायरेक्ट लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई बाई बी इजिक्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, हमेशा होता ही है, दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, इम्प्लाइज इन चारों की वजह से अपन बोल सकते हैं G is an abelian group. Okay, next. और example करते हैं बेटा अपन। अच्छा मैं आपको बता रहा था abelian check करने के लिए एक तो तरीका ये था, अभी तो आपने direct कर लिया क्योंकि well known है multiplication हमेशा commutative है। एक और तरीका ये operation table से, आप diagonal elements के इधर वाले element और इधर वाले element exactly अगर एक दूसरे की mirror image हो तो वो binary operation जो है वो कम्यूटेटिव होगा, जैसा अभी है यहाँ एग्जैक्टली सेम बेटा एलिमेंट्स, इधर इधर सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है ना, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। ओके चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जेड कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस सेट में वो एलिमेंट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका मॉडुलस वन है, तो आपको जनरल मल्टीप्लीकेशन के लिए बताना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, नहीं केवल ग्रुप बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए पूरा करते हैं, पहले जी नॉट लेते हैं, जी नॉट है अपना क्लोजर प्रॉपर्टी, सेटिस्फाई होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेट ये अपन इसको कोई नाम देते हैं कैपिटल जी नाम देते हैं, सपोज के जेड वन और जेड टू कैपिटल जी के कोई दो एलिमेंट लिए अपन ने, ओके तो व्हाट डज दैट इंप्लाइज इज मॉडुलस जेड वन इक्वल टू वन है एंड मॉडुलस जेड टू भी इक्वल टू वन है, दोनों जी के एलिमेंट है मतलब श्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे दोनों और उनका मॉडुलस वन होगा। अब अपन को ये प्रूव करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जी का एलिमेंट होगा ताकि वो क्लोजर अपन सेटिस्फाई कर पाए। तो बेटा इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जेड वन डॉट जेड टू का, जेड वन डॉट जेड टू आएगा, ये जी का एलिमेंट कब होगा बेटा, अगर ये इनका इनका मॉडुलस जो है वो वन हो, तो चलिए इनका मॉडुलस निकाल के देखते हैं। अच्छा एक लॉ है, मॉडुलस आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो z1 डॉट z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू z1 मॉडुलस डॉट z2 मॉडुलस डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसलिए आएगा 1 क्योंकि दिया हुआ है, ये भी आएगा 1, दैट मीन्स दिस, तो z1 डॉट z2 का जो मॉडुलस है वो 1 है,
दैट मीन्स जेड वन डॉट जेड टू जो है वो एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी होगा फॉर श्योर. तो दैट इम्प्लाइज जी इज क्लोजर फॉर स्टार या जनरल मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट बात आती है जी वन एसोसिएटिव. अब ये पता है बेटा जेड वन डॉट जेड टू डॉट जेड थ्री डॉट की जगह मल्टीप्लाई लिख देता हूँ. दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू जेड वन स्टार जेड टू स्टार विथ जेड थ्री. ये हमेशा होता है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव हमेशा होता है. तो दैट इम्प्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव फॉर जी. अच्छा ये चीज़ ध्यान रखें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव हमेशा ऑपरेशन होता है जबकि क्लोजर और आइडेंटिटी क्लोजर हमेशा सेट होगा और आइडेंटिटी और इन्वर्स हमेशा सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना इन्वर्स सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी है ऑपरेशन का वो जी में एग्जिस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट जी टू. जी टू है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट. मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है बेटा वन वन इज इक्वल टू वन. ई जो है अगर वन है तो वन का ई का मॉडुलस क्या आएगा बेटा वन ही आएगा. तो दैट इम्प्लाइज जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके जी के अंदर होगा. क्यों आए होगा वापस बोल रहा हूँ जी के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनका मॉडुलस वन है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन है और वन का मॉडुलस वन ही आता है. दैट मीन्स आइडेंटिटी डज एग्जिस्ट इन जी. नेक्स्ट बात आती है जी थ्री की इनवर्स. अपन मान लेते हैं जेड वन कोई कैपिटल जी का एलिमेंट है. वट डज दैट इम्प्लाइज इज कि मॉडुलस ऑफ जेड वन वन होगा. अब इसके इन्वर्स की अगर बात करें वन बाय जेड वन की क्या वन बाय जेड वन भी जी में होगा. लेट्स सी ये जी के अंदर होगा अगर इसका मॉडुलस वन हो जाए. तो चेक करते हैं क्या इसका मॉडुलस वन है. वन बाय जेड वन के मॉडुलस को अपन लिख सकते हैं वन मॉडुलस अपॉन जेड वन मॉडुलस. वन का मॉडुलस में डायरेक्ट वन ही लिख दिया. वन बाय जेड वन का मॉडुलस तो वन है दैट इज़ वन. मतलब जो भी z1 g के अंदर है उसका मॉडुलस 1 होगा. तो 1 बाय जेड वन का मॉडुलस भी 1 आएगा. मतलब 1 बाय जेड वन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल g सभी g z1 g के लिए. तो दैट इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनवर्स ऑफ ऑल z ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ g लाइज इन g. तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जी नॉट जी वन जी टू एंड जी थ्री. दैट मीन्स जी इज अ ग्रुप. इनफैक्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रूव किया है कि उसको मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं. आज के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें आपको सिंपली कुछ सेट्स के लिए और कुछ ऑपरेशंस के लिए ग्रुप प्रूव करना है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल फोर. आपको एक ग्रुप दे रखा है जेड फाइव जीरो वन टू थ्री फोर. बेटा स्टैंडर्ड ग्रुप्स है ना. जैसे कभी जेड सिक्स लिखा है इसका मतलब ये है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव. फाइव लिखा है मतलब उससे एक छोटा इंटीजर का लेना है. जेड एन लिखा है मतलब जीरो वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन तक ये एलिमेंट्स हैं. मॉडुलस एडिशन मॉडुलो फाइव इसका मतलब ये होता है बेटा. इसका मतलब यहाँ समझाया भी गया है कि अगर दो नंबर्स आपने जो लिए हैं उनका एडिशन 5 से छोटा आया तो आपको वही एलिमेंट लिखना है. और अगर 5 से बड़ा आ जाए तो आप उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर लिख रहे हैं. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए इन्होंने अलग से नहीं लिखा है. पर ऐसा भी हो सकता है कि 5 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया. मतलब जैसे आ गया 12. मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ. जैसे अभी 3 और 4 7 सम आया तो 7 5 से बड़ा था उसमें 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो 3 एडिशन मॉडुलो 5 4 की वैल्यू आएगी 7 माइनस 5 यानी कि 2 आएगी. अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको पूछ लूँ 6 एडिशन मॉडुलो 5 7 तो इसका मतलब होता है 13. 13 में से 5 आप माइनस करोगे तो आएगा 8. लेकिन आपको एडिशन मॉडुलो 5 में हमेशा 5 से छोटा नंबर ही लिखना है. आप 5 को कितने भी नंबर ऑफ टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो मैं अभी 8 में से वापस 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मिलेगा 3. तो 6 एडिशन मॉडुलो 5 7 की वैल्यू आएगी 3. एक्चुअली 13 आई थी. मैंने 5 को दो बार सब्ट्रैक्ट किया ताकि 5 से छोटा नंबर आ जाए 3 नंबर आ जाए.
ये स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, अभी 0+0 0 ही आएगा, 0+1 1 ही आएगा, 0+2 2 ही आएगा, 3 एंड 4, 1+0 1, 1+1 2, 1+2 3, 4 और यहाँ आएगा 5, लेकिन 5 से छोटा नंबर ही आएगा एडिशन मॉडुलो 5 में, तो 5 में से 5 सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0, 2+0 2, 2+1 3, 2+2 4, 2+3 5, 5 में से 5 सबट्रैक्ट किया 0, 2+4 इज 6, 6 में से 5 सबट्रैक्ट किया इज 1, 3+0 इज 3, 4, 5 आया, 5 में से 5 सबट्रैक्ट किया 0, 3+3 इज व्हाट 6, 6 में से 5 सबट्रैक्ट किया 1, और ये होगा 7 यानी कि 2, 4, 0, 1, 2 एंड 3, 4+4 इज 8, 8 में से 5 किया 3, ओके। नाउ अब बात करते हैं जी नॉट की, क्या ये ग्रुप है। जी नॉट होता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हाँ बेटा आप Z5 के दो एलिमेंट्स लिए, आपने उनको ऑपरेट किया, तो ये सारे एलिमेंट्स जो आए हैं वो Z5 के ही हैं, तो इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5, सॉरी यहाँ लिखेंगे अपन जी Z5 इज क्लोजर अंडर एडिशन मॉडुलो 5। अब बात करते हैं G1 की, G1 है बस बेटा एसोसिएटिव। अच्छा, जनरल एडिशन एसोसिएटिव होता है और मल्टी एडिशन मॉडुलो n, कोई भी n हो, यहाँ पे 5 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमेशा एसोसिएटिव होगा ही, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ दिस, तो एडिशन मॉडुलो 5 इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट G2 है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑपरेशन टेबल को देख के पता लगाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके जैसी रो ये रही, तो मतलब 0 E इज इक्वल टू 0 इज एलिमेंट ऑफ Z5, तो आइडेंटिटी डज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इन Z5, एडिशन मॉडुलो का आइडेंटिटी है 0, वो इस सेट के अंदर बिलोंग करती है, तो G3 भी सेटिस्फाई हो गई, G2 भी सेटिस्फाई हो गई। अब बारी आती है G3 की, G3 है बेटा इनवर्स एलिमेंट, तो इनवर्स एलिमेंट देखना सिखाया मैंने, 0 का इन्वर्स है 0, 1 का इन्वर्स है 4, 2 का इन्वर्स है, आपको आइडेंटिटी पे घूमना है बेटा, 2 का इन्वर्स कौन होगा, 2 के लिए आइडेंटिटी आ रही है 0, 3 पर, मतलब 2 का इन्वर्स हो गया 3, 3 का इन्वर्स हो गया 2, 4 का इन्वर्स हो गया 1, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ Z5 A inverse is element of Z5. That means inverse of all elements of Z5 lies in Z5. Okay? अब बारी आती है, बस हो गया G0, G1, G2, G3 सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बेटा, तो that implies Z5 is a group. अभी तो ग्रुप के लिए कहा था, अगर अबेलियन ग्रुप के लिए कहा होता तो आपको कम्यूटेटिव प्रूव करना होता, कम्यूटेटिव के लिए बेटा आप डायगनली इधर और इधर के एलिमेंट सेम प्रूव कर लेते तो कम्यूटेटिव भी हो जाता। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आज मैं तुम्हें इतना ही सिखा रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ए के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल है, पढ़ना और उसके आंसर्स देना, सेकेंड और थर्ड ये थोड़े से कंसेप्चुअल है, और फोर्थ तक आज आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिए और डाउट्स मुझसे पूछिए, मैं क्वेश्चंस का पिक्चर आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप उससे देख के क्वेश्चंस कीजिएगा और डाउट्स मुझसे पूछिएगा बेटा। थैंक यू।